कल मकर संक्रांति है तो मेरी बेटी ने मकर संक्रांति पे गरीब को बांटने के लिए ये ब्लैंकेट खरीद के लाई है। तो ठंड यहाँ पे बहुत है तो इसलिए मेरी बेटी ब्लैंकेट लेकर आई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लैंकेट, दो झोला में ब्लैंकेट है। तो कल मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह ये हम गरीब सबको बांटेंगे। देखिए तो दोनों में ब्लैंकेट है और ये एक है, ये तो यूज़ के लिए लेकर आई है। तो उम्मीद है आप सभी मकर संक्रांति पे आप लोग के घर में भी लड्डू सड्डू बन गया होगा। तो तिल का लड्डू, पूजा का लड्डू कल हम लोग के खाया जाता है मकर संक्रांति पे, दही चूड़ा। तो हम लोग को नेपाल में इसी तरह मकर संक्रांति मनाया जाता है। आप लोग कैसे मनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो अभी मैं दुकान पे बैठी हूँ, तो शाम को 7:30 हो चुका है। अब दुकान भी बढ़ाने का समय हो गया है, तो आज मैं दुकान बढ़ाऊँगी। छोटू नहीं है, छोटू गया है घर। तो कल मकर संक्रांति है, तो कितना जगह माघे संक्रांति बोला जाता है नेपाल में, इसको माघे संक्रांति, मकर संक्रांति, खिचड़ी, हर एक जगह इसका हर एक नाम है। लेकिन हम लोग ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी शाम हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए शाम के 7:30 हो रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अब मैं दुकान बढ़ाऊँगी, उसके बाद ऊपर जाके खाना बनेगा। तो हम कल के तैयारी के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं वो उड़द का दाल है। तो उड़द का दाल कल हम लोग के सुबह सुबह खिचड़ी बनता है और आलू का भुजिया, तो इसी के लिए लेकर आई हूँ। और छूने में जो चावल छुआ जाता है उसमें भी मिक्स करके हम लोग छुएँगे। और यह सब्ज़ी भी बेटी ला दी है, तो ब्लैंकेट लेने गई थी तो वहीं से सब्जी भी लेकर आई है। तो आप लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहिए। A few moments later. तो अभी खाना में बन रहा है सत्तू भर के रोटी और लास्ट रोटी बचा है। और ये है धनिया की चटनी, तो मैं धनिया की चटनी खल में कूटी हूँ। आप चाहे तो सिलौटी में भी कूट सकते हैं या मिक्सर जार में भी कूट चला सकते हैं। और ये है हमारा साग, तो ये साग है पालक का साग, आप लोग देख सकते हैं ये पालक का साग है। तो आज का हमारा डिनर यही है। तो यहाँ पे मैं रोटी लास्ट है तो ये बना लेती हूँ। देखिए सत्तू हमारा कितना अच्छा फूल रहा है, सत्तू वाला रोटी। और इतना सत्तू हमारा बच गया है तो ये मैं कल सुबह बना लूंगी। तो ये सत्तू जो रोटी भरे थे वही सत्तू बचा हुआ है। तो फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है, तब गैस ऑफ कर लेते हैं और ये रोटी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं पतिदेव जी के खाने निकाल ली हूँ, अब चलती हूँ पतिदेव जी को खाना देने। ये रहा मेरा डिनर। चलते हैं पतिदेव जी को खाना देने। थोड़े चीटर टाइप रहा सर, चल ड्यूटी पूछ जा 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 ये देखिए हमारा सैमसंग आ गया है हीटर तापने, उसको भी ठंड लग रहा है इसीलिए आया है। हीटर यहाँ पे जल रहा है तो हीटर तापने आया है सैमसंग। थोड़ा हीटर उसको भी तापने दो भाई, उसको भी ठंड लग रही है। ये देखिए हमारा सैमसंग सेट, जैकेट बोल दिया इसका नाम है सैमसंग, जिसको ठंड लग रहा है तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी डर रही है। आज नुआए छे इसीलिए ए लच्छी सुबह से भर रहा हां दम तो उठा। द नेक्स्ट डे। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका नेपाल में। तो फैमिली आज है संडे और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो सभी को मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मैं सुबह उठे झाड़ू पोछा कर ली हूँ, पूजा पाठ भी आज मैं सब जल्दी कर ली हूँ। तो आज मकर संक्रांति था तो आज सुबह सुबह किरण के अंदर नहाया जाता है सूर्य उदय होने से पहले, तो इसलिए मैं आज जल्दी नहा ली हूँ और पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। पूजा पाठ करके और जो हमको दान करने वाला सामान था वो भी छू चुके हैं। उसके बाद मैं चाय बनाई हूँ, चाय बना के पतिदेव जी और मैं पिए हैं चाय, और पतिदेव जी चाय पी के दुकान में चले गए हैं। तो अब मैं रूम मिला लूँगी, उसके बाद जाऊँगी खाने बनाने। तो रूम मिलाने से पहले मैं नीचे जाऊँगी दुकान में। तो छोटू, आप लोगों को पता है छोटू नहीं है तो दुकान भी सफा करना पड़ेगा। तो मैं सुबह उठ के झाड़ू लगा ली हूँ, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है दुकान में। तो मैं पोछा लगा कर आऊँगी, उसके बाद रूम मिलाऊँगी और उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हमारा चाय फिनिश हो चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सुबह का चाय पानी पी लिए हैं। तो पतिदेव जी दुकान भी चले गए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन हम लोग के यहाँ पे आज तिल के लड्डू, भुजा के लड्डू तो कल शाम ही को बन गया था सब कुछ, और आज बनेगा खिचड़ी उड़द दाल के खिचड़ी बनता है और आलू की भुजिया बनता है हम लोग के यहाँ पे, और दही चूड़ा खाया जाता है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं खिचड़ी? इसको खिचड़ी मकर संक्रांति होती है, बिहार में खिचड़ी भी बोला जाता है, नेपाल में भी, नेपाल में माघे संक्रांति बोला जाता है। तो आज माघे मकर संक्रांति में नदी जो हम लोग के यहाँ पे नारायणी है और देवघाट है वहाँ पे आज बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत भीड़ रहता है भक्तजन श्रद्धालु सब नहाने के लिए। तो आज सभी लोग वहाँ पे जाते हैं नहाने, तो मैं घर में नहा ली हूँ, मैं नहीं गई हूँ नदी, और मेरी सासू माँ जाएंगी नदी नहाने, तो वो चली गई है नारायणी।
और कितने लोग देवघाट भी जाते हैं नहाने, तो मैं आज घड़ी में नहा ली हूँ, तो दिखाती हूँ मेरा पूजा का मुरमुरा का लड्डू और तिल का लड्डू कैसा बना है। तो ये देखिए, इसमें है भुजा का लड्डू और इसमें है तिल का लड्डू। तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, तो हम लोग चार लोग हैं इसलिए इसमें तिल का लड्डू मैं प्लास्टिक में बांध के रखी हूँ। अभी थोड़ा देर में मैं कंटेनर में इसे पैक कर दूँगी कि हवा ना लगे। तो अभी पूजा के लिए भोग लगाना था इसीलिए मैं इसी तरह रखी हूँ, कल शाम को बना है। और इसमें जो चावल आज नहा के छुआ जाता है, तो मैं सभी के लिए चावल निकाल ली हूँ। इसमें चावल दाल लड्डू ये सब मैं निकाल ली हूँ और मैं अपने छू के मैं नहा चुकी थी तो इसलिए मैं छू के अपने अलग रख दी हूँ। और ये मेरे पति देव जी बेटा और बेटी के लिए है, तो वो लोग अभी नहीं नहाए हैं, तो नहाएंगे उसके बाद छुएंगे। तब तक वो लोग नहाएंगे, तब तक मैं जब चलती हूँ नीचे और दुकान में सफा करके फिर आती हूँ आप लोग से मिलने। तब तक आप लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहिए। A few moments later. तो फाइनली पूरे फैमिली के साथ मैं मंदिर आ चुकी हूँ। तो ये हरिनाथ मंदिर और इधर मेरे पति देव जी बेटी खड़े हुए हैं और अंदर में पहले माथा टेक के आ जाती हूँ। और इधर आप लोग देख सकते हैं कितना ढेर सारी कबूतर है। अंदर में दर्शन कर माता रानी के दर्शन करके आ चुकी हूँ और अब जाएंगे बाहर ब्लैंकेट बांटने। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी मांगने वाले बैठे हैं और एक एक करके सभी को देंगे। तो ये मेरी बेटी सभी को दे रही है और उधर मेरे पति कैसे भी दे रहे हैं। तो लाइन में बैठे हुए हैं दोनों लाइन में मांगने वाले और दोनों एक और मेरे पति देव जी दे रहे हैं और एक और मेरी बेटी दे रही है। आज हम लोग बहुत खुश हुए कि किसी को हेल्प कर पाए। हम लोग के पास जितना था उतना ही और लोग किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। A few moments later. फाइनली घर पे आ चुके हैं मंदिर से घर पे आके और मैं यहाँ पे खिचड़ी और आलू की भुजिया बनाई हूँ। सबको खाना निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और सभी को जोरों से भूख लग रहा है। तो आज ये मतलब है खिचड़ी घर का भुजिया। तो फैमिली अभी एक बज रहा है और देख सकते हैं मौसम कितना ठंड है। तो अभी तक धूप नहीं निकला है, बहुत ठंड है यहाँ पे और देख सकते हैं अभी तक अंधेरा ही है मौसम। और इधर मैं हीटर जला के ताप रही हूँ, दुकान में बैठी हूँ मैं अभी दुकान में हूँ और सब पति देव जी हूँ। पतिदेव की तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है तो मैं रेस्ट करने के लिए पठा दी हूँ और मैं अकेले दुकान में हूँ और मैं हीटर देख सकते हैं तो मैं हीटर ताप रही हूँ और दुकान में बैठी हूँ। तो फाइनली हमारा खाना पीना सब हो चुका है।